अब अगर कोई पूछे आपको क्या आता है ई में, पॉइंट चार्ज आता है, डायपोल की वजह से ई आता है, डायपोल भी तो पॉइंट चार्जेस ही हैं, रिंग के एक्सिस पे आता है, रिंग के बाद हमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डायपोल पता है उसका भी फोर्स निकालना आता है, एंड हमें डिस्क का नहीं आता, डिस्क पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और हम ऐसे केस में डेंसिटी क्या यूज करते हैं, सिग्मा, सिग्मा लेंथ वाइज में लैम्डा, सरफेस एरिया में सिग्मा। तो ये डिस्क है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर है, एक्स दूरी पे ई निकालना है। अब अगर मैं इसके प्रूफ में जाऊं, जो मुझे जाना नहीं है, प्रूफ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये डिस्क किसकी बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स से, और हमें रिंग का ई निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ड्यू टू रिंग, तो रिंग का ई आएगा, तो रिंग का ई इसमें स्मॉल माना जाएगा, फिर ऐसी जितनी भी रिंग्स हैं छोटी से एंड तक, हम उन सभी के ई को मिलाएंगे तो किसका ई आ जाएगा, डिस्क का, क्योंकि डिस्क किसकी बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स की। तो हम ये कर नहीं रहे हैं कि उसको पहले रिंग का निकाल लो, रिंग के ऊपर चार्ज निकाल लो, रिंग का ई निकाल लो, फिर इंटीग्रेट करो, हमसे कोई पूछ नहीं रहा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सीधा फॉर्मूला करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर हम इंटीग्रेट करें, जो हम कर नहीं रहे, तो इसका जो फॉर्मूला, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और कितना आएगा, वाई एक्सिस नहीं आएगा, क्योंकि रिंग्स के सारे वाई कॉम्पोनेंट आपस में क्या कर जाते हैं, कैंसिल, क्योंकि वाई एक्सिस के वो ई साइन थीटा, ई साइन थीटा रिंग में कैंसिल ही हो जाती है। तो सारे कॉम्पोनेंट कहाँ लाई करते हैं, अलॉन्ग दी एक्सिस। तो अलॉन्ग दी एक्सिस अगर आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो नेट आंसर ये आएगा, ये आपको याद करना, लिख लेना, पॉइंट टू रिमेंबर ओनली फॉर्मूला, 1/4πε0 2π σ (1 − x)/√r²+x²। कितने क्वेश्चन आएंगे डिस्क पे, आप अगर अपनी किताब खोलेंगे कोई ऑब्जेक्टिव बुक, तो हार्डली एक या दो, पूरी किताब में एक आध या दो क्वेश्चन ही आपको डिस्क के ज़्यादातर मिलेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेगा। तो फिर उस टाइम कन्फ्यूजन ना हो तो मैं फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, फॉर्मूला यूज़ करेगा, निकालने को तो कहेगा भी नहीं फिर भी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसके बाद वाई एक्सिस में तो होता ही नहीं है, ये एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज किसी भी बॉडी पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तीन किस्म से डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने ये किया था, या तो एक लेंथ वाइज होता है, या फिर सरफेस एरिया वाइज होता है, या फिर वॉल्यूम वाइज होता है। अगर लेंथ वाइज होता है, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या तो लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज। अगर लेंथ वाइज तो डेंसिटी इज लैम्डा, लैम्डा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो होता क्या है, कितना चार्ज है कितनी लेंथ पे है, डी क्यू बाई डी एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू बाई डी एस, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, डी क्यू बाई डी वी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट हमें पॉइंट चार्ज का ई निकालना आ गया, हमें डायपोल का ई निकालना आ गया, हमें